आज आम काफ़ी ख़ास महसूस कर रहा होगा। ब्रेन सर्जरी बहुत मुश्किल मानी जाती है, डॉक्टर्स भी पूरी सावधानी के साथ ब्रेन से जुड़े किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, लेकिन दिल्ली के एम्स अस्पताल में एक मरीज का ब्रेन ट्यूमर ऑपरेट किया गया, वो भी बेहोश किए बगैर। पूरे ऑपरेशन का वीडियो भी बनाया गया। इस दौरान कुछ ऐसा घटा जिसे देखकर हर कोई हैरान है, क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन थिएटर में ब्रेन सर्जरी जारी, लेकिन इसी बीच ओटी रूम से किसी महिला के हनुमान चालीसा पढ़ने की आवाज भी सुनाई दे रही। आखिर ये किसकी आवाज है, कौन ऑपरेशन थिएटर में हनुमान चालीसा पढ़ रहा है? यकीन मानिए, जब आपको इस वीडियो के पीछे का सच पता चलेगा तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान जो महिला हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है उसी महिला के ब्रेन सर्जरी हो रही है। ये वीडियो दिल्ली के एम्स अस्पताल का है, जहां एक महिला का ब्रेन ट्यूमर निकालने के लिए सर्जरी शुरू हुई। ऑपरेशन शुरू होने से पहले डॉक्टर ने महिला को हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा। फौरन सर्जरी करा रही महिला हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। हाँ जी, युक्ति शुरू हो जाओ। हनुमान चालीसा जब तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर निकाला जा रहा है, नहीं किसा दीजिएगा। तीन घंटे तक महिला का ऑपरेशन चला। ऑपरेशन मामूली नहीं था, बल्कि मेडिकल साइंस के साथ आस्था ने भी अपना चमत्कार दिखाया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। जैसे ही ये वीडियो लोगों के सामने आया, हर कोई हैरान रह गया। आपको बता दें कि एम्स अस्पताल के डॉक्टर ने महिला को बिना बेहोश के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। राम काज सुनी वो को आतुर प्रभु चेते सुनु बन रतिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवीएन भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।